पीला और ब्लू कलर की जर्सी खेल का शुरुआत करते हुए लाइन से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखी। जो भी दर्शक है सभ्य दर्शक की आगे माने जाते हैं, अक्सर आप लोगों का बहुत ही बढ़िया भूमिका रहती है, तो निश्चित रूप से मैदान से थोड़ी सी दूरी बनाकर तो यहाँ पर ही अब अपना पिटारा खोलते हुए JMM जिला अध्यक्ष मुजम्मिल अहमद ने अपने पिटारा को खोल दिया है और जो भी टीम पहला गोल करेगी दोनों तरफ में से उनको 1000 का नगद इनाम के सामने चले आएंगे, आपको 1000 का नगद इनाम दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर पिटारा खोल दिया गया है मुजम्मिल अहमद के तरफ से। जैसा कि हम पिछले मैच में कह रहे थे कि अभी तक जो पिटारा बंद है लेकिन अब खुलता हुआ, तो अभी तो सिर्फ 1000 का हुआ है, देखना है कि कितनी भारी रकम दर्शक खिलाड़ियों को उत्साह वर्धन के लिए लगाया जाता है। काफी गण्यमान्य लोग हमारे स्टेज में भी और काफी अच्छे सभ्य दर्शक हमारे मैदान में भी, खिलाड़ियों को उत्साह के लिए देखना है कितना कुछ कर पाते हैं। अभी तक 1000 का नगद इनाम आया है, जो पहला गोल करेगा चाहे वो विकास की तरफ से हो या फिर आया तूफान गोली को। और सुंदर मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीम के बीच, अच्छा मुकाबला चल रहा है। इससे पहले जो सेमीफाइनल हुआ था बहुत ही बेहतरीन मुकाबला देखने के दर्शक मनमुग्ध होकर देखते थे और ये भी मुकाबला का लगभग उसी तरह का अच्छा मुकाबला था। तुम बोल रहे बराबरी पर, हर एक मौका हो सकता है यहाँ पर ही, लेकिन खराब और यहाँ पर एक मौका बनाते हुए 3 नंबर की जर्सी में आया तूफान गोली के खिलाड़ी और खराब शॉट ने उनका फिर से लुटिया डुबो दिया है। लगता है कि लेफ्ट फुट से उन्होंने जज नहीं कर पाया परिणाम स्वरूप बॉल को। निश्चित रूप से दोनों ही लोकल टीम और अच्छा फुटबॉल खेलते हुए अच्छा मौका बनाते हुए दोनों ही टीम का मूव अच्छा बन रहा है, लेकिन गोल में तब खेल नहीं हुई है। असिस्ट भी अभी तक कोई अच्छा मौका कर पाए तो सेमीफाइनल में जो भी टीम जीती है वो सेमीफाइनल में जो भी टीम पहुंची है वो सभी टीम अपने पूरे टीम के साथ मैदान में मौजूद है कि चारों टीम को प्राइज देना है, फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, फोर्थ प्राइज और थर्ड प्राइज। तो निश्चित रूप से आप सभी मौजूद रहेंगे, अच्छा मौका मिला है डेंजर एरिया में और यहाँ पर ही खतरा हो सकता था लेकिन गोल कीपर का सुंदर फ्री किक और यहाँ पर अच्छा मोमेंट, अच्छा देखना है, बताएंगे यहाँ पर कि कौन प्लेयर के द्वारा ये गोल किया गया है। हेडर कौन लिया था प्लेयर बताएंगे हाथ उठा के जो
हैंड किए थे, पीछे मुड़ जाइए अगर जब से नंबर आपके है तो नहीं है। तो यहाँ पर अब फुटबॉल पूरी तरह से रोमांचक होते हुए दोनों टीम अपने चरम सीमा पर जोश एक और यहाँ पर यहाँ पर देते हुए वही गलती करते हुए आया तो घर गोली, लेकिन इस बार गोलकीपर सुंदर पासिंग करते हुए लेकिन गेम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। निश्चित रूप से अच्छा मौका मिल सकता है यहाँ पर विदास के खिलाड़ियों को, देखना है बॉल को क्लियर कर पाते हैं कि नहीं। जी नहीं, थोड़ी सी गलती की वजह से। और इस बार आप पोजीशन अच्छा पोजीशन लेते हुए यहाँ पर गोली के खिलाड़ी और अच्छा पासिंग करते हुए सात नंबर की गलती में अच्छा पासिंग के अभी तक पोजीशन बना के रखा है, लेकिन देखना है आठ नंबर की गलती गोली के पास, लेकिन खराब पासिंग की वजह से पोजीशन गंवाते हुए और अब विदास के प्लेयर के पास पोजीशन, लेकिन फिर से आया तूफान गोली, तूफान की तरह गोली की तरह शॉट लगाते हुए तो भी एक और दोनों ही टीम जद्दोजहद बैठेंगे। ये या बराबरी न उठ जाती है और यहां पर शॉट स्टेज में भी आ रहे हैं यहाँ पर ही खतरा हो सकता है। उतनी अच्छी मौका नहीं उठा पाए जिस तरह से अच्छा मौका उठाया था बिंदास के टीम ने, धोनी के टीम फ्री किक का मौका नहीं अब तक उठा पाए हैं। अनावश्यक रूप से मैदान के बाहर ना, बाहर लोग मैदान में ना घुसे, बाहर के लोग मैदान में ना घुसे। अच्छा ठीक ठीक नहीं 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 अब बात नहीं है, तुमको तो बाहर से मौका सुंदर मौका यहाँ पर बनाते हुए गोली के टीम, अच्छा मौका यहाँ पर देखना है तब्दील कर पाते कि नहीं मौके को। अच्छा शॉट नहीं, अब यहाँ पर फिर से थ्रो और देखना है पार येलो कार्ड और यहाँ पर फॉल पकड़ते हुए एक और येलो कार्ड दिखाते हुए तीन येलो कार्ड दिखा चुके हैं तीन अलग अलग खिलाड़ियों को। Yeah.
फिर से लोग तो बढ़िया मुकाबला चलता हुआ सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला तो जो भी टीमें जीतेगी वो बिंदा और कलर पुनित नगर से फाइनल खेलेगी लेकिन और फिर से दूसरी टीम को मौका मिलेगा इस बार बिंदा ये फील्डर ने गलती करी है और निश्चित रूप से हैंडबॉल के रूप में एक फ्री किक और डेंजर एरिया में फिर से आप देखना है कि कितना भुना पाते हैं इसको इस बार बहुत ही डेंजर एरिया में देखना है क्या कर पाते हैं दो फील्डर तैयार है तीन नंबर की तरफ बहुत ही खूबसूरत शॉट और यहाँ पर गोल करते हुए कुंडो से खिलाड़ी निश्चित रूप से इस बार बॉलर की तरफ का मिला था और उसका पूरा फायदा उठाते हुए अभी अभी आए हैं हमारे पूर्व थाना प्रभारी विश्वजीत कुमार सिंह मैं उनको तो एक एक के बराबरी का फायदा बनाया है गोली के टीम ने और एक एक के बराबरी पर अब दोनों की टीम मुकाबला चलता हुआ सेमीफाइनल बाउंड्री के बाहर जो भी बॉल किया है उसको ले लें आ गया बॉल को ध्यान रखे वहां रख ले बॉल को कोई रखे वहां पर साइड में आ गया तो मैं आपको एक और बता दूं कि मुजम्मिल अहमद जिला अध्यक्ष जेएमएम के तरफ से अगर तीन गोल को टीम मारती है तो उनको 5,000 का नगद इनाम दिया जाएगा तो निश्चित रूप से एक अच्छा सुनहरा मौका है खिलाड़ियों का निश्चित रूप से 2000 इससे पहले दे चुके हैं और जो भी दोनों प्लेयर मारे हैं गोल दोनों को 1,000 का नगद इनाम दिया जाएगा और यहाँ पर मौका बनाने की कोशिश करते हुए विकास की खिलाड़ी लेकिन ऐसा नहीं हो पाए और दिखाए जा चुके हैं संभवतः 4 येलो कार्ड दोनों ही टीम को मिलाकर दिखाए गए हैं और गोलकीपर का अच्छा सेव